शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर पहुंचेंगे आदिवासियों के खून। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने शुरू किया अभियान। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस मामले में सोशल मीडिया मंच एक्स पर आदिवासी हिंदू है और नहीं, मदन दिलावर मुर्दाबाद के साथ हजारों ट्वीट किए जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के घर आदिवासियों का खून पहुंचेगा, इसके लिए बकायदा बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने अभियान शुरू किया है। दरअसल आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर राजस्थान में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में एक तरफ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तो दूसरी तरफ बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत है। दरअसल राजकुमार रोत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे हिंदू नहीं। रोत के इस बयान पर बीते दिनों मदन दिलावर ने कहा कि आदिवासी हिंदू है या नहीं इसका डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। दिलावर के इस बयान के बाद दोनों नेताओं में जुबानी जंग जारी है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी के हिंदू नहीं होने पर उनका डीएनए टेस्ट करने के लिए दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करने के लिए खून का सैंपल शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर भिजवाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आदिवासी समाज को नीचा दिखाने का प्रयास है। राज्य सरकार को इस पर कई कड़े कदम उठाते हुए उनको शिक्षा मंत्री पद से हटा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेता को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में आदिवासी समाज इनको इस बयान का करारा जवाब देगा। उन्होंने देश भर के आदिवासी समाज से आह्वान किया कि वह स्वयं तो अपना ब्लड सैंपल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ब्लड सैंपल भेज रहे हैं और हर आदिवासी के घर से सैंपल भेजने का अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए मंत्री जी को डीएनए टेस्ट मशीन की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी को जीत मिली है, उसी भारत जनता पार्टी के नेता हताश है और उससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते वह ऐसे बचकाना बयान दे रहे हैं। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे तो क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे, बाप की औलाद है कि नहीं। जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीएपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराए, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बोकलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गलत बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के मां। और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं कि या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट। हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में, कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक, और वो सैंपलिंग करवाए
वो ब्लड टेस्ट करवाए और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहां विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पर हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि वो इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। जवाब।